हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड अंतर्गत इंदिरा गांव में जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव राज्य के किसी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिले के सरकारी अस्पताल, राज्य द्वारा चिन्हित अस्पताल में करवाने पर 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि अस्पताल में 48 घंटे रहने के बाद दे दी जाती है। बहुत दिक्कत है हमरा, मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में हमरा लड़की हुआ है, इसका लाभ हमको नहीं मिला है। 1450 रुपया हम एक बार छोड़, हम दो बार हम फोटो कॉपी करा कर दिए अपना भी बच्चा को भी, लेकिन इसका लाभ हमको नहीं मिला है। इंदिरा गाँव की 70 महिलाओं को 48 घंटा क्या, 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग को बहुत तरह से भी परेशानी है। सरकार बोल रहे हैं कि हम लोग को अधिकार है मांगना, तो हम लोग मांग रहे हैं 1400 रुपया से, हम लोग को नहीं मिल रहा है। हर तरह से परेशानी है, घर में बच्चा रोते रहता है, जाते हैं दिन भर का समय लगता है। तो अगर सरकार देना चाहते हैं तो दे, और ना देना चाहते हैं तो बंद कर दे अपना, नहीं हम लोग को परेशानी होगा हर तरह से। कहला हम लोग दौड़ेंगे, झूठो जाना आना दौड़ा, गाड़ी भी नहीं मिलती, हर तरह से दिक्कत है, नहीं जाएंगे। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करता हूं कि हजारीबाग जिला के सिविल सर्जन धर्मवीर प्रसाद का मोबाइल नंबर 94 31 36 18 51 पर कॉल कर इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद करें। मैं चुन्नू हंसदा हजारीबाग झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।